तो इस वीडियो में अपन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले तो जैसे एक एग्जांपल ले, तो अपन को जैसे दो मैट्रिक्स दे रखी है और अपन को बोल दिया कि जैसे मैं दूसरे भी लिख देता हूँ 2 4 2 3 5 1, तो इसका प्रोडक्ट करने को बोल दिया। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या चेक करना है प्रोडक्ट करने के लिए, कि पहले तो यहाँ पे चेक करो ये किस ऑर्डर की है। तो 2 क्रॉस 3 यानी 2 रोज और 3 कॉलम है, और इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एंड ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम इस तरीके से। और अगर ये नंबर, ये जो 3 है, ये जो इसका सेकंड नंबर है, इसके फर्स्ट नंबर से मैच कर रहा है, तो इनका प्रोडक्ट कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट करने की तो पहले कंडीशन है, और उसके बाद प्रोडक्ट कैसे करता है वो देखता है। तो जैसे आप तुम यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे, तो तुम्हारे पास अब किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, तो उसका फर्स्ट नंबर तो ये होगा 2 और सेकंड नंबर इधर से लेना है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा। ये चीज तुम्हें इस तरीके से करनी है। वैसे तुम्हारे पास यहाँ पे 5 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 7 दे रखा होता, तो तुमने ये पहले देखिए ये दोनों सेम है। अब इस ऑर्डर का आएगा प्रोडक्ट करने के बाद इस ऑर्डर का आएगा। सो ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे करना है कि अब जस्ट तुमने मान लिया 2 क्रॉस 2 का आएगा, अब एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें। तो फर्स्ट एलिमेंट्स, यहाँ का एलिमेंट लेने के लिए तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 1 क्रॉस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ओ सॉरी -2 को इस -2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया सॉरी, और फिर इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, और इन तीनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद 2 -8 + 6 तो कितना आएगा, ये 0 आया, तो यहाँ पे 0 लिख दो। अब जो ये तुम्हें ये एलिमेंट लेना है, तो क्या करो कि फर्स्ट रो जो कि तुम्हारी ये है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तुम करोगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, और इन सबको ऐड करते जाना है। फिर 3 को तुमने फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, सो ये 3 -10 + 3 आएगा जो कि -4 होगा। सो इस तरीके से तुम यहाँ पे -4 पुट कर दो, तो तुमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो नेक्स्ट है, तुम्हें ये वाला एलिमेंट लेना है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लो, तो क्या आएगा, -4 को 2 से करो, फिर यहाँ पे 2 को 4 से करो, फिर 5 को 2 से करो, सो ये कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 तुमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब तुम्हें ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे कह लो ये सेकंड रो और ये तुम्हारा सेकंड कॉलम। सो करोगे तो -4 को 3 से किया, फिर तुमने 2 को 5 से किया, और फिर 5 को 1 से किया, तो ये कितना आएगा, 15 में से 8 गया तो ये 7, ओ सॉरी कितना आएगा, ये ना 3 आएगा, 15 में से 12 गया तो 3 आएगा। तो इस तरीके से बेसिकली तुम प्रोडक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट करने का सिंपल मेथड है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लूँ, तो जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पर 3 3 2, दूसरा दे रखा है -2 0 4, एक तुम्हें दे रखा है y x इस तरीके का, और ये तुम्हें दे रखा है यहाँ पर इस चीज के इक्वल 3 3 y and 10, 3 3 y and 10। सो अब तुम्हें यहाँ पर बताना है, तो जैसे पहले तुम चेक करो कि ये कितना है, 3 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 2 का है, तो ये वाला एलिमेंट सेम है, और अब जो ऑर्डर आया 3 क्रॉस 2 है, तो मतलब सही है मल्टीप्लीकेशन। और अब तुम्हें मल्टीप्लीकेशन करके चेक करना और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। सो जैसे अपन यहाँ पे करें, तो पहले इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे अपने पास 3y - 2x आएगा। फिर अपन को नेक्स्ट लेना है ये वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को करेंगे, सो अगेन यहाँ पर 3y - 2x आएगा। फिर यहाँ पर इसको इससे करेंगे, सो अपने पास यहाँ पे 3y + 0x आएगा। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग, ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का है, तो इस सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे अगेन 3y + 0x आएगा। फिर यहाँ पे अगेन 2y + 4x, और इधर फिर 2y + 4x इस तरीके से आएगा। अब तुम कंपेयर कर लो, तो जैसे एक इक्वेशन अपन इसको इस 3 से इक्वेट करके बनाएंगे, 3y - 2x = 3, एक इक्वेशन अपन इसको इससे इक्वेट करके बनाएंगे 2y + 4x = 10, और यहाँ से अपन को सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए। तो सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6y - 4x = 6, और यहाँ पे 6y + 8x = 12x = 30। सो यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16x = 24, सो x = basically 3/2, और यहाँ पे अपन पुट कर देता है तो 3y = 6, तो y = basically 2। सो इस तरीके से अपन सिंपली प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने तुम्हें प्रोडक्ट करना सिखा दिया, तो फिर होप अच्छा लगा होता है, लाइक करो सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।